कन्नौज वन अमले ने खातेगांव तहसील के ग्राम मौला में दो स्थानों पर दबिश देकर सागवान की चिरान लकड़ियां मशीन तथा औजार जब्त किए हैं। एसएल यादव एसडीओ वन कन्नौज ने बताया कि उज्जैन तथा देवास के वरिष्ठ वन अधिकारियों के निर्देश पर रेंज ऑफिसर खातेगांव सुश्री वंदना ठाकुर तथा वन अमले ने परिक्षेत्र खातेगांव के ग्राम मौला में मुखबिर की सूचना पर आरोपी आयश पिता बाबूलाल निवासी मौला के यहां से सागौन गीली चिरान नग 24 कीमत 14,973 रुपए एवं आरोपी दुर्गा पिता अनोखी कलाल निवासी मौला के यहां से सागौन गीली चिरान नग 33 कीमत 11,013 रुपए के साथ ही इलेक्ट्रिक मशीन एवं सुतारी कार्य के औजार कीमत करीब 25,000 रुपए के जब्त कर कार्यवाही की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। कार्यवाही में वन विभाग के स्टाफ का सराहनीय सहयोग रहा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। कल दिनांक 13/9 को सूचना मिली थी कि ग्राम मोला में कुछ लोगों ने अपने मकान में अवैध लकड़ी का संग्रहण किया हुआ है और वो कुछ फर्नीचर का निर्माण करते हैं। इस सूचना के आधार पर मेरे द्वारा आज जो है परिक्षेत्र अधिकारी खातेगांव सुश्री वंदना ठाकुर को सर्च वारंट दिया गया और वन वनाधिकारी एवं हमारे CCF साहब उज्जैन भी लगातार जब्ती के लिए निर्देश दे रहे थे। तो जब सर्च वारंट लेकर मौके पर गए तो दो लोगों के यहाँ जब्ती हुई है और जब्ती में करीब जो है पूरी करीब 40-45 हज़ार रुपये की जब्ती हुई है और उनका वन अपराध कायम कर आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।